तो सलाम सत श्रीकाल आदाब कैसन बाण जा रहा लेकिन कहाँ हैं कि अब रहा लोगिन चालू कर दल बन जा भोजपुरी के प्राइम टाइम देखेला। तो चलिए भोजपुरी के प्राइम टाइम में आज हमने के का बात कैल जी, बात कैल जी कि कौन फिल्म कहाँ शूटिंग होती है, कौन फिल्म के आयल बा फर्स्ट लुक्स और कौन फिल्म आवेल बिया या कौन फिल्म लाग गोल बिया सिनेमा घर में या कहाँ कहाँ। तो चलिए ये सब कुछ देखे और जाने से पहले एको काम करी, चैनल पर नया बानी सब्सक्राइब कर जाई, बेल आइकन घंटी जरूर दबाई, बाकी संग मित्र और दौर दयाल संगे भी शेयर कर दी। चलिए हमने के वीडियो को चालू कर लिया यानी प्राइम टाइम चालू कर लिया। दरअसल अगर आज के हमने के पहला प्राइम टाइम का अगर खबर देखा जाओ तो बहुत ही यूनिक्स और खास बाटे, काहे कि प्रदीप पांडे चिंटू के फिल्म्स विवाह टू, हाँ विवाह टू के काफ़ी यूनिक्स पोस्टर देख रहा बानी जौन हमने के बीच आ गुल बा और बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म मतलब पोस्टर में दिखाई दे रहा बा प्रदीप पांडे चिंटू। अब उनका साथे तीन तीन गो हीरोइन भी मतलब एकदम से फिल्म में एकदम से इंटरटेनिंग होखे वाला बा पूरा भरपूर, और देखे कि बटे कि आखिर इन तीनों जना में किकरा से ब्याह करेला प्रदीप पांडे चिंटू। अब वो अक्षरा सिंह अमरपाली दुबे और शहर अफसा के बीच में आखिर के बने इनकर दुल्हनिया ई देखल काफ़ी इंटरेस्टिंग बा, काहे कि अक्षरा सिंह और ना ही अमरपाली दुबे ई दोनों जानी चिंटू पांडे के सामने थोड़ा सा बड़ा एज एहन लोग लागेला, का शहर अफसाही इनकर बनिया दुल्हनिया ई देखल अभी बाकी बा। तो फाइनली फर्स्ट लुक्स रिलीज कर देल बा जौन आप फिल्म से निर्माता बन निशांत उज्वल और एक डायरेक्ट कैले बनी प्रिमांशु सिंह, बाकी स्टार कास्ट में तो रोमा लोग देख रहे बने प्रदीप पांडे चिंटू अमरपाली दुबे अक्षर सिंह और सहर अफसा बन जा, बाकी का ट्रेलर रिलीज कैल जाए एंटरटेन रंगीला पर अभी डेट कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं कैल गए। अब हमने के तनी मनी आगे बढ़ल जी और बात कैल जी खेसारी लाल के फिल्म लिट्टी चोखा के बारे में, हाँ लिट्टी चोखा भी फिल्म काफ़ी यूनिक्स और काफ़ी खास भी है। दरअसल ये फिल्म आज ही के दिन बोले तो 12 तारीख से मतलब बिहार झारखंड और यूपी और नेपाल में रिलीज हो रहा है, हाँ नेपाल के भाई लोग भी रोमा लोगिन सुन जी रोमा लोगिन के जगह पर भी ये फिल्म रिलीज हो रहा बा, अगर वही जगह के नज़दीकी सिनेमा में मतलब रोमा लोगिन देखल चाहते हैं तो जाके देख सकते नहीं, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी यूनिक फिल्म बा, काहे कि ये फिल्म में खेसारी लाल खूब ज़्यादा मतलब एक्शन और इमोशन प्यार मोहब्बत सब कुछ ये फिल्म में देखे के मिली, और कैसे एगो गरीबी से उठ के एगो आदमी कैसे अमीरी के रूप में आवेला मतलब का होला सब कुछ ये फिल्म में देखे के मिली। सबसे बड़ बात बा कि ये फिल्म के गाना काफ़ी खूबसूरत बटे, रोमा लोगिन जाके देख सकते नहीं, रोमा लोगिन स्टार कास्ट में देखे के मिलन खेसारी लाल यादव काजल रघवानी और श्रुति राव स्टार कास्ट में देखे के मिलन। अब हमने के आगे बढ़ल जी तो जानल जी कि भैया का बा का बा का बा, दरअसल मेरे मित्र, हाँ मेरे मित्र रितेश पांडे और काजल यादव के फिल्म के ट्रेलर रिलीज होके वाला बा, सही बता रहा बानी मेरे मित्र फिल्म के ट्रेलर रिलीज होके वाला बा जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी यूनिक होके वाला बा, काहे कि पहली बार रितेश पांडे नाग के रोल में नजर आए वाला बड़न, सही बता रहा बानी डांसे वाला नाग के रोल में नजर आए बड़न और उनका साथे नागर के रोल में नजर आए बड़ी काजल यादव। अब पहली बार ये दोनों जना एक साथे फिल्म करल बड़न जा, अब यह लोग केमिस्ट्री और कॉम्बिनेशन में कितना मजा आई वो देखल अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग बटे। दरअसल ये फिल्म के ट्रेलर रिलीज कैल जी 13 तारीख के यसी फिल्म पर सुबह 6 बजे, हाँ एक रिलीजिंग डेट भी आगुल बा 13 तारीख के सुबह 6 बजे ये फिल्म के ट्रेलर के रिलीज कैल जी, जना फिल्म के निर्माता बानी माया यादव और एक डायरेक्ट कर बनी सुशील कुमार उपाध्याय, बाकी में स्टार कास्ट में काजल यादव और रितेश पांडे दिखियन जा। अब देखे कि बाकी ट्रेलर में का दिखत अटे वो देखल अभी बाकी बा, बाकी थोड़ा सा हमने के और आगे बढ़ी तो देखल जी कि भैया कहाँ होत बाटे, एक बार बहुत दिन बाद फिर से वापस आगुल बन जा परवेश लाल यादव और दिनेश लाल निरहुआ एक साथ है। सही बता रहा बनी एक साथ ही जब भी फिल्म कर लन जाना मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो गर्व भी होला और कमाल के फिल्म भी होला। इससे पहले हम लोग को बहुत सारा फिल्म बा जैसे राम लखन बहुत बड़का हिट फिल्म रहे और फिर से एक बार और ही वैसे फिल्म के एवं वो हिट देवे के कोशिश करे वाला बन जा, जना फिल्म के नाम बा इज्जत घर, हाँ इज्जत घर फिल्म के मुहूर्त के साथ ही शूटिंग चालू कर दिल गल बा। और सबसे यूनिक तो बात ये बाटी कि ये फिल्म में
नीलम गिरी दिखे वाला बड़ी, यानी पहली बार डेब्यू कर रहा बड़ी कोनो भोजपुरी सिनेमा में, वह दिनेश लाल निरहुआ के फिल्म में। दरअसल ये फिल्म भी बन रहा बा निरहुआ एंटरटेनमेंट के तरफ से। दरअसल निरहुआ एंटरटेनमेंट के बैनर तले जौन भी फिल्म बनला, वो फिल्म के समझ ली कि एगो जान ओकरा में रहला, जौना के देख के मतलब लोग भावुक भी हो जाल। और भावुक होके कारण ये बटे कि ये फिल्म के डायरेक्टर भी मंजूल ठाकुर बड़न, यानी मंजूल ठाकुर दिनेश लाल निरहुआ और परवेश लाल यादव दोनों जाने के साथ मतलब एकदम से करीबी रिश्ता भी बा, और काम भी एहन लोग संग है, वो बहुत ही बखूबी तरीका कमाल के करेला। तो फाइनली घर इज्जत के इज्जत घर के फिल्म कितना सुघर हुई, कितना कमाल हुई, ये तो जब बन के निकली तो पता चली। अभी अपडेट्स ये बा और बारी बारी से स्क्रीन पर जो देख रहे हैं फोटो, मतलब इस सेट से ही निकल के आए बटे। अब हमने थोड़ा सा आगे बढ़ लिए तो जान लीजिए कि पवन सिंह के वेब सीरीज प्रपंच के का भइल भइल कुछ ना, ए फिल्म के मतलब ए वेब सीरीज के बता दी कि बहुत जल्द ही ट्रेलर रिलीज कल जी। अभी सूत्रन के हवाले से ये अपडेट्स आ रहा बा कि थोड़ा सा दशहरा में फिल्म के अभी बाहर चलत अटे, ए लिए प्रपंच वेब सीरीज के मतलब ट्रेलर रिलीज नहीं कल जात। जैसे भी कल जी हम रहुआ लोग इनके जरूर बताए। अब हमने के थोड़ा सा आगे चली तो देखल जी खेसारी लाल के फिल्म कि सेट से कितना यूनिक्स वाला फोटो आ रहा बा, मोज के में बहुत ही काफ़ी खूबसूरत देख रहा बन रवा लोग देख रहा बने। दरअसल अपराधी फिल्म के गोरखपुर में खूब जोरों से शूट चल रहा बटे। कुछ दिन पहले तो अचानक से रवि किशन भी सेट पर पहुँच रहलन और खूब ओ जगह गुप्तगु भी हुई और खूब ज़्यादा मस्ती भी हुई। दरअसल में खेसारी लाल यादव और रितु सिंह और मतलब नया नया हीरोइन भी एक फिल्म में एंट्री मरले वाली जा, यानी अपराधी फिल्म भी खूब ज़्यादा खास होखे वाली भी है। अब हमने के थोड़ा सा आगे चल ली और देखल ली कि आगे में का खबर बा। दरअसल आगे में भी बहुत ही यूनिक खबर बटे, जौन आप फिल्म के नाम बा सातो फेरे के सात वचन। हाँ, सातो फेरे के सात वचन रितेश पांडे के एगो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक फिल्म होखे वाले भी है। सही बता दिल बन सातों फेरे के सात वतन जोन में रितेश पांडे और संजना पांडे देखिए। दरअसल संजना पांडे उहे है जब कौनो घरी उ संजना राज बन के मतलब लोगन के दिल पर राज करते रह, लेकिन राज जब कल हेली तो उनका लाल कि ना पांडे लगाव हटाव है राज के, तो राज हटा के अब पांडे हो गए बड़ी, वो अलग डिबेट हो सकेला। लेकिन फाइनली सातों फेरे के सात वतन वचन फिल्म के एडिटिंग लगभग लगभग कंप्लीट कर रहे गुल बा, काहे कि स्क्रीन शॉट देख रहे बानी। इनकर खुद निर्माता संदीप सिंह इस चीज़ के शेयर करते हुए बता रहा बड़न कि काफ़ी खूबसूरत ये फिल्म भी आ, देख के रवा लोगिन के मजा आई। अब रवा लोगिन ये फिल्म के देखेला कितना व्याकुल बानी रवा लोगिन कमेंट बॉक्स में करके बता सकते नहीं। तो फाइनली सातों फेरे के साथ वचन के पोस्ट प्रोडक्शन के काम पूरा कर रहे बा। अब बहुत जल्द ही ये फिल्म के फर्स्ट लुक्स और सेकेंड लुक्स और ट्रेलर के भी इजाफा कर ली उड़ा लोग इनके हम जरूर बताएं। अब हमने के थोड़ा सा आगे बढ़ ली तो देखल जी कि ई माई के फिल्म के फर्स्ट लुक था गुल। हाँ सही बता रहा बने, फिल्म के नाम बा जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी फिल्म के फर्स्ट लुक आगुल बा, जौन हमें देख रहा बानी कि काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लाग भी रहा बा। दरअसल गुंजन पंथ कैसे विंध्यवासिनी माई के रोल में त्रिशूल लेके खड़ा बाड़ी कि जहाँ तेरे मैंने हिलब तो भोंक दे। अभी का बा कैसे बा कितना खूबसूरत बा, जब एक ट्रेलर आई तो पता चल ली। दरअसल ये फिल्म में अंजना सिंह और अमरेश सिंह की जोड़ी एकदम से कमाल के दिखे वाला बटे। अब देखोगा माँ विंध्यवासिनी की कृपा कितना रहता अमरेश सिंह और अंजना सिंह पर, और कितना ही कमाल के फिल्म भी है ई देखल अभी बाकी बटे। दरअसल अगर हमने के थोड़ा सा आगे बढ़ ली तो देखल जी कि ई का हो रहा बटे, फिर से खेसारी लाल के एगो नया फिल्म की शूटिंग चालू होके वाला बा। हाँ भाई सही बता रहा बानी, फिर से खेसारी लाल के एगो नया फिल्म की शूटिंग चालू हो रहा बा, जो ना फिल्म के नाम बा अंदाज। हाँ अंदाज सच में एगो अद्भुत और अविश्वसनीय वाला अंदाज फिल्म बाटे। दरअसल बता दें कि अंदाज फिल्म के एगो मीटिंग भी वही लगे और एकर पूरा कार्यक्रम के फिक्स भी कर ले गोल भी है, जो ना फिल्म के निर्देशक बन श्री सुजीत कुमार सिंह। हाँ सुजीत कुमार सिंह ये फिल्म के डायरेक्ट भी करवा बढ़न। दरअसल ये फिल्म के लिखले बढ़न बीरू ठाकुर और एम स्टार कास्ट में अभी खेसारी लाल के अलावा केहू भी का स्टार कास्ट के अनाउंसमेंट नहीं खे कल गए।
तो बाकी अंदाज फिल्म एगो अनोखा अंदाज हुई। अब देखे के बाटे कि अंदाज में का मार धार देखे के मिली या प्यार मोहब्बत वाला अंदाज देखे के मिली या भिन्न भिन्न अंदाज देखे के मिली, ये अभी देखल बाकी बा। दरअसल अभी फिल्म के कुछ भी शूटिंग या मुहूर्त नहीं भइल होई तो हम रहुआ लोगों के सबसे पहले जरूर बता दें। अब हमने के थोड़ा सा फिल्म से हट के अब तनी मनी हमने के गाना के बारे में बात कर ली। दरअसल गाना के बारे में बताई तो गाना एकदम से कमाल करे वाला बड़ा फिर से खेसारी लाल। हाँ, खेसारी लाल के गाना एगो एकदम से यूनिक होखे वाला बाटे जौन गाना हिंदी में होखे वाला बाटे, सही बता रहा बनी। दरअसल ये गाना हिंदी में काहे होखे वाल बा काहे ना होखे वाल बा, खुद ए फिल्म ए गाना के राइटर बोले तो कुणाल वर्मा। हाँ, कुणाल वर्मा एगो हिंदी लिरिक्स राइटर हवन जौन जरा से खेसारी लाल खुद मीटिंग कैल बड़न और गाना पर काम भी चालू होल बा। यानी बहुत जल्द एगो मतलब हिंदी सॉन्ग जौन आई जौन में आग लगाओ देखिए खेसारी लाल यादव। अक्सर खेसारी लाल यादव मतलब एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करत रहलन और ए बार भी एक्सपेरिमेंट करे वाला बाड़न। अब देखे कि बटे कि कितना कमाल हुई और कितना बवाल हुई वो तो समय के साथ सबके पता चल जी। तो चलते चलते कल हमरा से एगो गलती हो गए प्राइम टाइम में तो बता दी ओकरा के एक बार सुधार दी। दरअसल अक्षरा सिंह के जौन हम बताऊँ कि एक दिन में इतना कम व्यूज बा, दरअसल वो एक दिन ना रहुए एक घंटा रहुए हमसे थोड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गए हुए। तो फाइनली दरअसल बता दी कि वो गाना मतलब बहुत ज़्यादा वायरल बा। दरअसल अभी तो ट्रेंडिंग में बाटे स्क्रीन शॉट देख रहा बनी, ये गाना 17 नंबर ट्रेंडिंग पर भी यूट्यूब पर चल रहा है। तो सच में कमाल के गाना बा, यूनिक गाना बा जौना गाना के बाटे दिल के पुकार। दिल के पुकार ये गाना मतलब 17 नंबर ट्रेंडिंग में, अभी तक भोजपुरी के देवी गीत कौनों ट्रेंडिंग में ना आए, लेकिन अक्षरा सिंह के ये गाना एकदम से ट्रेंडिंग में अद्भुत बना दिला से मतलब कमाल कर दिला से। तो फाइनली हमारा तरफ से अक्षरा सिंह से दिल से सॉरी बटे रवा ध्यान मत दी माफ़ कर दी। बाकी फाइनली ये गाना काफ़ी खूबसूरत बार हुआ, लोगों ने भी जाके एक बार सुनी और देखी बाकी सब कुछ कमाल के बटन। अगर कौन फिलहाल के खबर छूट गए लोग लोगों कमेंट करके बता सकते नहीं, हम आवे वाला कल में भी ओकरा के अपडेट कर दे। बाकी देखत रही जा न्यूज़ तक भोजपुरी और प्राइम टाइम पे खूब ज़्यादा प्यार देते रही जा। बाकी हम जीत।